फलौत में ग्रामता पूजन को लेकर 1100 कन्याओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। मोहम्मद शाह केन्स की आप खास रिपोर्ट जानने जा रहे हैं सीधे चौसा फलौत से। चौसा प्रखंड अंतर्गत फलौत में होने वाला इकलौता ग्रामता पूजा की शुरुआत सोमवार को 1100 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाल कर इसकी शुरुआत की गई। इस यात्रा में कन्याओं के सर पर कलश और युवाओं के हाथों में भगवा झंडा, साथ ही बाहर से आए हुए कई पंडित महात्माओं ने गाजे बाजे के साथ पूरे गाँव का भ्रमण किया। ये यात्रा ज्वालामुखी मंदिर परिसर से लेकर डाक बंगला चौक और मुख्य बाजार सहित कई मोहल्ले में ले जाई गई। आपको बता दें, फलौत में होने वाली ग्रामता पूजा के मौके पर इस तरह का आयोजन नहीं किया जाता था। बीते साल से ही शत चंडी यज्ञ से लेकर कलश यात्रा जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं, जो कि लगातार 3 सालों तक किए जाएंगे। ग्रामता पूजा की बात करें तो मंगलवार से लेकर आने वाले 18 अप्रैल तक ये आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस पूजा में लगातार 10 दिनों तक हजारों की संख्या में लोगों का मंदिर परिसर में आना जाना लगा रहता है। लोगों की आस्था है कि लगातार 10 दिनों तक माता ज्वालामुखी की चमत्कार देखने को मिलता रहता है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है।